गुरुग्राम के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जेल जाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। दरअसल धरने पर बैठे इन कर्मचारियों के कई लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर इन कर्मचारी नेताओं की 18 सितंबर को सरकार के नुमाइंदों से बात भी हुई थी और इन्हीं दिनों इन सभी ने चेतावनी दी थी कि यदि इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 7 नवंबर से धरने पर चले जाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। लेकिन सरकार ने इनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्य उद्देश्य जेल भरो आंदोलन है आज हमारा, ये किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है, किसके उसके विरोध में किया जा रहा है, ये था कि 18 सितंबर को हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ बातों के ऊपर हरियाणा सरकार ने सहमति जारी की थी और माननीय खुल्लर साहब जी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था कि भाई ये डिमांड साहब की कैशलेस मेडिकल पॉलिसी है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है और समान काम समान वेतन है, ऐसी हमारी कुछ बहुत सी मांगे थी, जोखिम भत्ता है, पंजाब के समान वेतन है, ये सभी डिमांड से आपकी 1 नवंबर को हरियाणा सरकार डिक्लेयर कर देगी। लेकिन उससे पहले हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी वो इस बात को पहले ही घोषणा कर चुकी थी, अगर सरकार ने हमारी मांग 1 तारीख को अगर घोषणा नहीं की गई तो हम 7 नवंबर को हर प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय के ऊपर हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे।